अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इन द कंटिन्यूएशन अवर न्यूमेरिकल वीडियो नंबर 1। और इस वीडियो में हम मज़ीद कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि उन्हें हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, ये न्यूमेरिकल है हमारा 3.3, विच इज़ अ कार मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर्स पर आवर इज़ ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड्स, कैलकुलेट द डी एक्सीलरेशन। अच्छा, इस न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है हमसे कि जो है वो एक कार है जो कि वेलोसिटी से मूव कर रही है, विच इज़ 36 किलोमीटर्स पर आवर, और वो सडनली उसने ब्रेक लगाया और वो रेस्ट में आ गई। 5 सेकेंड्स में वो रेस्ट में आ गई, ठीक है। तो उसकी डी एक्सेलरेशन मालूम करनी है, यानी डी एक्सेलरेशन से हमें पता चल गया कि आंसर में एक्सेलरेशन के साथ माइनस साइन ज़रूर आएगा, ठीक है। तो अब हम इसका डेटा बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो है वो डेटा बनाएंगे, और हमें जो है वो क्या क्या गिवन है हम जो है वो इसमें लिखेंगे। विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी हमें गिवन है विच इज़ अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का एक जो है वो आएगा, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन मालूम करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें किस तरीके से पता चलेगा कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है और फाइनल वेलोसिटी क्या है? इस तरीके से देखेंगे कि हमारी गाड़ी जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। तो हमारी वी आई जो है वो 36 किलोमीटर पर आर होगी, और जब वो रेस्ट में लाई गई तो क्या हुआ कि हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो गई, सही है। हम कॉमनली भी सोच सकते हैं कि हम इनिशियली एक वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और जब हमने सडनली ब्रेक लगाया तो हमारी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी वी आई जो है वो हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है विच इज़ 36 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो है वो क्या करना है, किलोमीटर्स पर आवर से हमें मीटर पर सेकंड में जाना जो है वो लाजमी है, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो SI यूनिट्स में वर्क करती हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी सेकंड्स गिवन है, इसलिए हमें यहाँ पे भी यूनिट कंसिस्टेंट रखना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी जो है वो सेकंड्स में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम किलोमीटर्स पर आवर में हम किस तरीके से जो है वो कन्वर्ट करेंगे, हम 36 किलोमीटर्स पर आवर है, सही है। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे कौन सा यूनिट चाहिए, यहाँ पे हमें मीटर चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि ऊपर जो है वो मीटर आना चाहिए और यहाँ पे डिवाइड में किलोमीटर्स आना चाहिए। ऐसा क्यों कर रही हूँ, ये एक यूनिट कन्वर्जन का एक तरीका है, ठीक है। यहाँ मैंने इसको ऐसा इसलिए करा क्योंकि जो है वो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, सही है, और मीटर इसकी जगह आ जाएगा। अब यहाँ पे आवर्स में हमें क्या चाहिए, आवर्स में हमें यहाँ पे सेकंड्स चाहिए, ठीक है। तो सेकंड मेरा यहाँ पे नीचे आना चाहिए, सही है, और आवर को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे ऊपर आवर आना चाहिए, ठीक है जनाब। तो क्या होगा, अब हम यहाँ पे नंबर्स लिख लेते हैं। हमें पता है 1 किलोमीटर में हमारे पास जो है वो 1000 मीटर होते हैं, और 1 आवर में हमारे पास 3600 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, आवर से आवर कैंसिल हो गया। अब हम इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 मीटर पर सेकंड आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमारे पास जो वी आई आ रही है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी कन्वर्ट होके आ रही है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी आ गई इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है जनाब। तो उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, डेटा में हमारे पास जो है वो वी एफ गिवन है, सही है। मैं ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि वी एफ गिवन है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है रेस्ट का, सही। तो इससे हमने खुद कंक्लूड किया कि जब गाड़ी रेस्ट में आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारी फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है, सही। उसके बाद हमारे पास गिवन है टाइम, और टाइम हमें गिवन है 5 सेकेंड्स, सही। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड डेटा हमारे पास क्या है, हम रिक्वायर्ड की अगेन हेडिंग डालेंगे, और जो है वो उसके बाद हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन यानी डी एक्सेलरेशन हमें मालूम करनी है, ठीक है जनाब। तो ये हमारा हो गया डी एक्सेलरेशन। उसके बाद यहाँ पे हम फॉर्मूले की हेडिंग डालेंगे, सही है।
फार्मूला की हेडिंग डालने के बाद हम यहाँ पे इसका जो है वो फार्मूला लिखेंगे। और फार्मूला एक्सेलरेशन का हम सब जानते हैं, एक्सेलरेशन बराबर होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम के। ठीक है, हम यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, और सॉल्यूशन में जो है वो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन वी एफ जो है वो ज़ीरो है, माइनस वी आई 10 है, और टाइम हमें 5 गिवन है। ठीक है, और जब माइनस ज़ीरो में से माइनस 10 को जब हम माइनस करेंगे तो माइनस 10 ही आएगा, और यहाँ पे 5 आएगा, 5 वन्स आर 5 एंड 5 टूज आर 10, तो माइनस 2 यूनिट क्या होगा इसका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है जनाब, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो है वो माइनस के साथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है, और ये जो माइनस साइन है ये शो कर रहा है कि हमारे डी एक्सेलरेशन हो रही है, यानी गाड़ी स्टॉप हो रही है, इसकी वेलोसिटी कम हो रही है। तो ये हमारा जो है वो एक्सेलरेशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था। ठीक है, तो अच्छा एक और बात यहाँ मैं ज़रूर कहूँगी कि हमारे यूनिट लगाना जो है वो बोर्ड के एग्जामिनेशन और आगे भी फर्दर भी जब भी हम कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हों तो यूनिट जो है वो हमारे पास लाजमी होता है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ एक्सेलरेशन 2 लिख दें तो हमारे पास मीनिंगलेस है कि ये 2 क्या है। तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या स्क्वायर सेकेंड, तो हम जो है वो एक्सेलरेशन का यूनिट लगाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो है वो एक और न्यूमेरिकल है जिसे हम जो है वो 3.7 हमारा जो है न्यूमेरिकल है, और इस न्यूमेरिकल में जो है वो न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है, द वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल इंक्रीजेस, द वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल इंक्रीजेस बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड एंड बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड इन स्क्वायर सेकेंड सॉरी इन 5 सेकेंड्स। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। अच्छा, दोबारा से मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। द वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल इंक्रीजेस बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड बिकम 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। सही है, एक्सेलरेशन जो हमें गिवन थी वो हमें माइनस यहाँ पे सॉरी यहाँ माइनस 2 आएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम डेटा बनाते हैं। सही है, डेटा में सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा में हम लिखेंगे हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन थी विच इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और हमें जो है वो टी गिवन है विच इज़ 5 सेकेंड्स, और हमें क्या गिवन है, वी एफ गिवन है हमें। सही है, फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमें रिक्वायर्ड क्या है, यहाँ पे रिक्वायर्ड है हमें इनिशियल वेलोसिटी विच इज वी आई। ठीक है, अगेन अच्छा मैं मार्कर चेंज नहीं कर रही हूँ अब क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट जो है वो यहाँ इसी पेन से जो है वो हेडिंग डाल रही हूँ, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होगा, अगेन हमारा फार्मूला जो है वो, अच्छा अब यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ मोशन का जो है वो हमें ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन या ऐसा फार्मूला चाहिए कि जिसमें हमारे पास वी एफ मौजूद हो, वी आई मौजूद हो, और हमारे पास टी भी मौजूद हो और एक्सेलरेशन भी मौजूद हो। तो ऐसी जो है वो हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो है हमारे पास वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस एटी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमें याद हो चुकी होगी क्योंकि हमने बहुत सारी इसकी प्रैक्टिस अब तक कर ली होगी। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो वी एफ हमें गिवन है, वी आई हमें यहाँ से निकालना है, और ए भी गिवन है और टी भी गिवन है। तो अब हम अगेन सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और हमें
हम अपनी मर्जी के मुताबिक इस फॉर्मूले को जो है वो अरेंज करेंगे, लेकिन हम ऐसे अरेंज करेंगे कि हमारे पास जो है वो मैथमेटिक्स के रूल जो है वो वायलेट ना हो। तो जो है क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि इस 80 को यहाँ प्लस हो रहा है ना, इसे हम यहाँ पे ले जाते हैं VF के पास, ठीक है। तो VI हमारा बन जाएगा VF माइनस 80, ठीक है। अब VI हमें निकालना है, VF हमें गिवन है 20, माइनस एक्सेलरेशन जो है वो हमें A गिवन है और T जो है वो हमें 5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस 2 5 10 हो गए, और VI जो है वो हमारे पास आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर हम देखें अपनी उसके लिहाज से तो ये जो है वो एक बिल्कुल मतलब एक वैलिड है कि VF जो है वो 20 और VI जो है वो 20 है, सही है। तो ये हमारे पास जो है वो दूसरा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे।